हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। कल एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया हमारी गाड़ी का। मैं यहाँ से बाहर निकल रहा था तो एक ठेले वाले ने पीछे रियर साइड के डोर को मार दिया और उसमें स्क्रैच और डेंट पड़ गया। तो अभी मैंने इंश्योरेंस को क्लेम किया है और मैं इस गाड़ी को वर्कशॉप पे देने जा रहा हूँ। सो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा इसके बारे में, कैसा इंश्योरेंस टाइप है और कैसे क्लेम करना चाहिए और कैसे मैंने क्लेम किया है इसको। तो गाइस, मैं लगा रहा हूँ डबल मास्क, ये सर्जिकल मास्क के ऊपर N95 मास्क लगा रहा हूँ। और एक कार मैं लेके जा रहा हूँ, एक कार पापा लेके जा रहे हैं। निकाल लेना ध्यान से, ये बड़ी मेरी स्टेपनी पीछे कर दीजिए, देख बहुत ध्यान से, ये रिमोट शिमोट जो तुम्हारा भी तो गाना बजा के चलते रहते हैं और वो गाना चलाते रहेंगे और ये तुम्हारा पेट्रोल का जो तुमने भरी हुई है बता देना थी कोई इतना पेट्रोल। हाँ, वो जॉब कार्ड में बनता है, लिखा लिखा जॉब कार्ड में दिखा देना, कोई सामान है चश्मा वश्मा निकाल लेना। तो गाइस, पापा आए थे, पापा ने बोला कि सारा सामान निकाल लेना। जनरली क्या करते हैं वर्कशॉप में, वो लोग ध्यान नहीं देते, कभी सामान मिसप्लेस हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। तो मैंने डबल मास्क लगा लिया है और मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। एक हाथ से बड़ा मुश्किल है यार सीट बेल्ट लगाना। अच्छा, तो गाइस मैं आपको सीधा वर्कशॉप में मिलता हूँ, वरना मैं ढंग से ड्राइव नहीं कर पाऊँगा और थोड़ा ढंग से ड्राइव करना अभी तो गाड़ी पे लग भी गई है। ओके गाइस, आई विल सी यू इन द वर्कशॉप। तो गाइस, मैं रेड लाइट पे हूँ और रेड लाइट थोड़ी लंबी है तो मैं सोचा थोड़ी बात कर लूँ। मैं सोच रहा था इस गाड़ी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, अलग से वीडियो बनाऊँ। मैंने ली थी 2019 में, बड़ी मेहनत से ली थी, तो मैं सोच रहा था कि इसकी प्रोज एंड कॉन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ी बात बता देता हूँ। तो ये गाड़ी को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए और बहुत रेयरली मैं निकला हूँ 1.5 साल, मतलब 2019 में जब मैंने ली थी इसको, तो उसके बाद से आप ये लगा लो 2019 के बाद 20 में तो कोरोना ही आ गया था, तो उसके बाद से बहुत ओकेजनली निकलना हुआ है। तो ये चली भी उतनी नहीं है, अभी 10,000 किलोमीटर ही चली है 1.5 साल में, कुछ भी नहीं होता है कार के लिए। जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी होती है मोस्टली वहाँ पर रिक्शा वाले, ठेला वाले, ये सब बहुत आते हैं, तो आगे से कभी बम्पर में मार जाते हैं, कभी पीछे बम्पर में मार जाते हैं, कभी साइड में, कभी कभी कहीं पर भी मार के जा जाते हैं। एक अच्छी पार्किंग भी होनी बहुत ज़रूरी है कार के लिए, बट क्या कर सकते हैं, मतलब घर ऐसी जगह है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चलो, लकीली ग्रीन लाइट तो हुई। सो गाइस, हम आ गए हैं होंडा वर्कशॉप में। सो गाइस, हम आ गए हैं होंडा वर्कशॉप, ये पीरागढ़ी में, और इस वर्कशॉप की खास बात ये है कि यहाँ शोरूम भी है और हमने जो फर्स्ट कार अपनी ली थी होंडा सिटी वो यहीं से ली थी इन 2005। यहाँ से लेके गए थे हम कार इस कॉरिडोर से, तो पूरा इसी यहीं से, मतलब वो मेमोरी वापस से नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। हाँ भैया, सर्विस है सर। सर्विस नहीं है, वो क्लेम के लिए, रिपेयर के लिए है। आगे किधर सर? आगे पेड़ के आगे जगह है, वहाँ से लगा के सभी लोगों के अंदर चले जाओ, वहाँ नहीं जाएंगे एडवाइजर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आगे मैं गाड़ी को पार्क कर लेता हूँ, फिर सर्विस एडवाइजर के पास जाना है। तो गाइस, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और अब सर्विस ड्राइवर को मिलना है। ये देखो, आपको अगर अब दिख रही हो पूरी लाइन जो डेंट की पड़ गई है, रोशनी में तो शायद नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी डीप चला गया था ये। तो गाइस, मैं सर्विस एडवाइज़र और पेपर वर्क करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, हमने कार सबमिट कर दी है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रिंग रोड होंडा है पीछे, यहाँ पर हमने सबमिट कर दी कार को और एक वीक लगेगा, पेंट वेंट दोबारा रीपेंट होगी, डेंट निकलेगा, तो पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया कैसे होगा। और घर चल के बात करते हैं मैंने कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसको कैसे क्लेम करी। सो गाइस, आई एम बैक एट होम, तो चाबी का ये बचा है, बाकी सारी चाबी, मतलब बाकी जो चाबी है वो एक्चुअल चाबी जो है गाड़ी की वो कंपनी वालों ने रख ली। सो द कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमेशा जब भी आप अपना क्लेम सबमिट करें तो पॉलिसी पेपर्स, RC कॉपी, पैन कार्ड कॉपी और ये सब आप अपना हैंडी रखें, उसको ऑन द स्पॉट देना होता है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है वो चेक करते हैं कि कहाँ का डैमेज हुआ है, तो साथ साथ में एक जॉब कार्ड भी बंदा बनाता है कि अभी कितना फ्यूल कंज्यूम हो चुका है
और कहाँ का ऑलरेडी डैमेज थी गाड़ी, ये सब आपको ध्यान रखना है कि वो सही से बनाए, क्योंकि वो नंबर्स वगैरह में कभी कभी मैनिपुलेशन कर जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये जो मेरी पॉलिसी है ये बेसिकली एडलवाइस की पॉलिसी है, ड्राइवर स्विच पॉलिसी है। जनरली क्या होता है कि दो टाइप की पॉलिसीज होती है, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव और जीरो डेप्रिसिएशन। और मोस्टली पॉलिसीज में कैसा होता है कि पूरे ईयर थ्रू आपका कवर रहता है, कि कुछ भी अगर फॉल्ट हो जाती है तो वो कवर हो जाती है उसके अंदर। जो मेरी पॉलिसी है वो एक्चुअली ड्राइवर बेस्ड पॉलिसी है, तो उसके अंदर कैसा होता है कि मैं तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बाहर जाता हूँ, तो उस पॉलिसी को एक्सप्लिसिटली ऑन करना पड़ता है। तो ईयर के मुझे 60 डेज मिलते हैं, और जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, तो जब मैं घर आ जाता हूँ तो उसकी ट्रिप एंड कर देता हूँ। तो ऐसे कर करके मैं यूज करता हूँ उसको। तो ड्राइवर बेस्ड पॉलिसी जब भी आप लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो बहुत लेस अमाउंट में पड़ती है, क्योंकि मैं जब ये पॉलिसीज के लिए ढूंढ रहा था, रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तो बाकी कंपनी जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस, एको जनरल इंश्योरेंस, इनकी मेरे को राउंड अबाउट 27,000-24,000 की पड़ रही थी, एंड की एडलवाइस की ड्राइवर स्विच पॉलिसी मेरे को ऑलमोस्ट अराउंड 8,000 की पड़ गई थी। सो ऑलमोस्ट 3 times लेस है नॉर्मल पॉलिसी से। तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को जो मेरी तरह गाड़ी चलाते हैं, जैसे कभी कभी जिनकी गाड़ी चलती है या फिर जिनके पास मल्टीपल कार्स हैं, तो वो ये पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी के बेनिफिट्स तो ये है कि भाई बहुत लेस अमाउंट में होती है, जीरो डेप्रिसिएशन, और कौन ये है कि भाई मैनुअली ऑन करना पड़ता है, मैनुअली इसको स्विच ऑफ करना भूल जाओ तो अगले दिन 9 बजे दोबारा डिडक्शन हो जाता है। एंड आपको और कोई भी डाउट हो पॉलिसी रिलेटेड, कैसे क्लेम लेते हैं, मैंने कैसे क्लेम लिया, मैंने क्या किया, मैंने जो पॉलिसी ली थी वो पॉलिसी बाजार से ली थी, तो मैंने उनको पहले कॉल किया, उनसे एडवाइस ली कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्लेम नंबर जनरेट किया मेरा, और उस क्लेम नंबर से मैंने एडवाइस को कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपनी गाड़ी को इस वर्कशॉप में डिपॉजिट करवा दें, ये कैशलेस गैरेज है उनका, और इसके बाद कॉन्टैक्ट करें जो हमारे सर्वेयर को, सर्वेयर का नंबर भी दिया, और उन्होंने बोला कि जब आप इसको डिपॉजिट करवा दें गाड़ी को तो सर्वेयर कॉल करें, उनको बता दें कि डिपॉजिट होगी, तो सर्वेयर आके यहाँ गाड़ी का सर्वे कर लेगा। तो सर्वेयर क्या करता है, बस ये गाड़ी को चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है कि कहाँ का डैमेज हुआ है, तो वो मैंने कर दिया था। और मेरे को बस एक चीज़ दिक्कत हुई कि जनरली जो पॉलिसीज आप लेते हैं उसकी पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, कि पॉलिसी नंबर आता है और जीरो डेप है कि नहीं, पूरी एक 4 पेज का डॉक्यूमेंट होता है अराउंड अबाउट। बट ये जो पॉलिसी है इसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये ऐप बेस्ड पॉलिसी है, तो ये थोड़ी वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो मैंने जब सर्विस एडवाइजर से उनकी बात कराई तो वो ओके हो गए थे, एंड वो अग्री कर गए और मेरी गाड़ी को डिपॉजिट कर लिया, और मेरे को एक स्लिप दी थी, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि क्या क्या क्लेम नंबर है, क्या कैसे कैसे डैमेज हुआ है, और ये सब बना के उन्होंने एक मेरे को कार्ड दे दिया है और बताया कि नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली मेरे को कार मिल जाएगी। सो मैं वेट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, अभी हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। 정해진 길 찾고